वन संगम महिलाओं की ज्वाइंट सेक्रेटरी आशा सुधीर जी आज हमारे साथ है। आइए हम उनसे जानते हैं कि मैडम क्या कहना चाहेंगे, आज विसर्जन का दिन है, क्या कहना चाहेंगे बापाओं के भक्तगणों के लिए। ये सोचती हूँ कि बापा सबका अच्छा करे, जो भी यहाँ पे है, जो भी भगवान से जो भी मांगते हैं सबकी इच्छाएं पूरी करे भगवान, यही मैं सोचती हूँ। मैडम यहाँ पर क्या क्या एक्टिविटीज़ होती है महिलाओं के लिए, और ख़ास करके जो गरीब वर्ग के लोग होते हैं, मंडल भवन की तरफ से क्या क्या ऐसी सुविधाएं दी जाती है? यहाँ पर वैसे तो बहुत सारी सुविधाएं हैं, ओल्ड एज होम है और गर्ल्स हॉस्टल है, और वैसे जेंट्स का भी बहुत सारा है, मेल्स का, वो लोग भी बहुत सारा काम करते हैं। मैडम अभी आप ज्वाइंट सेक्रेटरी हो गए, तो अभी आने वाले दिनों में आप क्या क्या आपकी आपके माध्यम से एक्टिविटीज़ करने वाले हो महिलाओं के लिए, और ऐसे क्षेत्रों में और बहुत सारे लोग हैं उनके लिए क्या क्या एक्टिविटीज़ आप करने वाले हो? हम लोग बच्चों को अडॉप्ट कर रहे हैं मोस्टली, और मतलब फर्स्ट से टेंथ तक के बच्चों को पूरा उनका एजुकेशन का खर्चा सब, एक एक बच्चों को एक एक अडॉप्ट करने का सब कर रहे हैं, और आगे भी करने का सोचा है। और फिर ये है लेडीज़ हॉस्टल में सब जो भी हमारे गर्ल्स हैं उनको सब सिक्योरिटी, ईच एंड एवरी फील्ड में हम लोग सब अच्छे से कर, यूथ विंग, और हम लोग सब मिलके सब आगे अच्छे से अच्छा काम करने का सोच रहे हैं। मैडम गणेश भक्तों को क्या संदेश देना चाहेंगे, आज विसर्जन का दिन है, बापा अपने घर पे जा रहे हैं, तो आज क्या संदेश देना चाहेंगे लाखों भक्तों को आप? उनको यही संदेश देना चाहती हूँ कि सबका अच्छा हो, और गणेश बाबा हमेशा सबका अच्छा करते ही है, और जिसने भी मन्नत मांगा है सबका पूरा हुआ है, गणेश ने सबका सुना है। हम खड़े हैं बंटर संगा में, जहाँ पर आज गणेश उत्सव का ये पांचवा दिन है, और आज पापा अपने अपने घर की ओर विदाई ले रहे हैं, और ऐसे में पाँच दिन पापा की काफ़ी एक ऐसी सेवा की गई है कि मंडल संघा की ओर से जिस तरीके से लोग बापा को घर में विराजमान करते हैं और बापा की पूजा पाठ करते हैं, काफ़ी खुशी का एक माहौल होता है। और ऐसे में मंडल संघा ने जो यहाँ पर एक अलग ही ऐसा जो एक्टिविटीज़ लोग यहाँ पर इन लोग करते हैं, एक अनाथ बच्चों को उन्होंने एडॉप्ट करते हैं, जैसे बूढ़े लोगों के लिए यहाँ पर उन्होंने एक हॉस्टल बनाया हुआ है, और ब्लड डोनेशन का भी काम यहाँ पर होता है, काफ़ी कुछ एक्टिविटीज़ यहाँ पर होती है और काफ़ी सक्रिय है ऐसा ये मंडल भवन। जैसे आप देख सकते हैं काफ़ी जूना है, काफ़ी पुराना है, और काफ़ी दिनों से लोग यहाँ पर आते हैं, और इनका नाम है हर सेवा में है, सबसे आगे रहते हैं, और ऐसे में आज बापा की विदाई है, सब लोग तैयार है और बापा को अलविदा कहने के लिए, आखिरी अलविदा कहने के लिए, बापा मोरिया अगले साल जल्दी आना करके बापा के नारे लगाते हुए सब अभी गणेश भक्त निकल रहे हैं पापा की विदाई के लिए। कैमरामैन विजय के साथ में स्टीवन जॉन, CN News, मुंबई।